उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल किया है। यूपी सरकार ने 13 आईएएस और 3 आईपीएस अफसरों का तबादला किया है। इस फेरबदल में 5 जिलों के डीएम भी बदले गए हैं। बता दें कि योगी सरकार ने सितंबर में भी उत्तर प्रदेश में 20 आईएएस और 4 पीसीएस अधिकारियों का तबादला किया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संजय प्रसाद और आलोक कुमार तृतीय को अपना सचिव नियुक्त किया था। तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल किया है। यूपी सरकार ने 13 आईएएस और 3 आईपीएस अफसरों का तबादला किया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता पुनीत मोहन इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुनीत मोहन, योगी सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए 13 आईएएस और 4 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया, इन तबादलों को लेकर और क्या कुछ जानकारी है? देखिए, सीधे तौर पे जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं, बस्ती में बीजेपी नेता का जो पूर्व छात्र नेता हत्याकांड हुए थे उस पे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के डीएम और एसपी दोनों पर गाज गिरी है। बदायूं, बस्ती, जौनपुर और श्रावस्ती समेत आधा दर्जन जिलों के कलेक्टर बदल दिए गए हैं। जो बस्ती लोकसभा के सांसद हरीश द्विवेदी, उनके मामले में डीएम और एसपी कार्यवाही पर अड़े थे, उसको लेकर के उनसे कुछ विवाद भी चल रहा था, क्योंकि जो हत्या हुई थी बीजेपी नेता की, काफी मुखर विरोधी हो गए थे वहां के जो सांसद हैं वो डीएम और एसपी के, और उन्होंने सीधे तौर पर एक पत्र भी लिखा था कि डीएम बस्ती जो है उनको हटाया जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर एक बीजेपी के नेता की, जो काफी चर्चित नेता था युवाओं में, उसकी हत्या हुई है। उसके साथ एसपी पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि पुलिस की लापरवाही से कांड हुआ है। गाजीपुर के डीएम भी हटाए गए हैं, कुमार प्रशांत को बदायूं के डीएम बने हैं, जौनपुर के डीएम दिनेश कुमार सिंह बने हैं, और श्रावस्ती के जो डीएम है उनका भी तबादला कर दिया गया है। और बस्ती लोकसभा हरीश द्विवेदी जो मांग कर रहे थे काफी दिनों से कि डीएम और एसपी जो वहां के हैं वो सही काम नहीं कर रहे हैं, उस पर सीधे तौर से सरकार ने संज्ञान लिया और उनको हटाया गया। कुल 13 आईएएस अधिकारियों के तबादले, 2 पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। जी पुनीत मोहन, सितंबर में भी बड़ी संख्या में तबादले हुए थे, ऐसा लग रहा है कि योगी सरकार में जो है प्रशासनिक उथल पुथल कुछ ज्यादा ही मची हुई है। देखिए, सीधे तौर पे जो कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसे कांड होते जा रहे हैं जिससे सरकार पर विपक्ष हावी होता जा रहा है। बस्ती में जो कांड हुआ वो काफी हावी हो गया, क्योंकि इन्हीं की पार्टी का एक युवा नेता, उसको बीच बाजार में दौड़ा करके गोली मार दी गई। हालांकि अब वहां पर हेमराज मीना जो नए एसपी बनाए गए हैं वो कानून व्यवस्था को लेकर काफी सख्त माने जाते हैं। हमीरपुर में थोड़े दिन पहले कांड हुआ था, श्लोक कुमार वहां का एसपी बनाया गया है। एसपी बस्ती जो पंकज कुमार थे उनको वेटिंग में डाल दिया गया है। सरकार सीधे तौर पर अधिकारियों को मैसेज दे रही है कि जो सही से करेंगे उन्हीं को सरकार जो है क्या बोलते जिले देंगी, और अगर नहीं सही से कार्य करते हैं तो उनको वेटिंग में डाल दिया जाएगा। कई ऐसे बड़े अधिकारी हैं जो पिछली सरकारों में अच्छे पदों पर थे, लेकिन अच्छा काम न करने के चलते सीधे तौर पे वो इस समय वेटिंग लिस्ट में है। जी पुनीत, तो अब जो ये तबादले हुए हैं, ऐसी संभावनाएं हैं कि विपक्ष अब इन तबादलों का भी राजनीतिकरण जरूर करेगा? देखिए, राजनीतिकरण, इन जो भी हत्याएं हुई हैं, जो भी मर्डर केस हुए हैं, जो भी बलात्कार हुए हैं, उन पर पहले से ही योगी सरकार विपक्ष के निशाने पर है। ऐसे में योगी सरकार विपक्ष को और आम जनता को और सभी प्रशासनिक अधिकारियों को एक मैसेज देना चाहती है कि जिस जिले में ऐसी कार्रवाई हो रही है वहां के जिले के जो भी अधिकारी हैं उनके ऊपर सीधे तौर पर गाज गिर रही है, उनको हटाया कर वेटिंग लिस्ट में डाला जा रहा है, सीधे तौर पर एक मैसेज देने का प्रयास कर रही है। हालांकि जो भी ये मुद्दे हुए उससे जाहिर सी बात है कि योगी सरकार कहीं ना कहीं विपक्ष के निशाने पर लगातार बनी हुई है। जी शुक्रिया पुनीत मोहन तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। भारत का प्रमुख न्यूज चैनल ANB न्यूज, अगर आप भी अपनी प्रतिभा दिखाना चाहते हैं और खबरों को हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो तमाम खबरों को करें अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड और 7888497079 पर करें व्हाट्सएप। साथ ही दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।